भारतीय जनता पार्टी अपनी बातचीत को शुरू करती है। भारत माता की जय। कांग्रेस के नेताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास पहुंचती है, वो कहते हैं हम नहीं जाते भारत माता को, हम तो बोलेंगे सोनिया माता की जय। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राचीन काल से न्याय और अन्याय का युद्ध चलता आ रहा है। मंगलवार को दशहरा है और यह अन्याय पर न्याय की जीत को दर्शाता है। यही नहीं, महाभारत में भी अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी। देश में भी कई वर्षों से चुनावी युद्ध चल रहा है। एक तरफ राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी है जो भारत माता को समर्पित है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो सोनिया माता को समर्पित है। आप लोगों ने तय करना है कि न्याय और अन्याय की इस चुनावी युद्ध में राष्ट्रवाद को जिताना है या फिर उन लोगों को जिन्हें वंशवाद और परिवारवाद के चलते सोनिया में माता दिखाई देती है। खट्टर ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि राम कौन है और रावण कौन, कौन न्याय का प्रतीक है और कौन अन्याय का प्रतीक है। जनसभा में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर राजनीतिक हमला बोला। कांग्रेस के नेताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास पहुंचती है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ 4-5 दिन पहले, वो कहते हैं हम नहीं जानते भारत माता को, हम तो बोलेंगे सोनिया माता की जय। ताली बजाने की बात नहीं है, ये हंसना आता उनकी सोच के ऊपर कि भारत माता जिसके लिए हम देश के लिए न्योछावर होने की बात करते हैं, मां का एक पुत्र देश की बात करते हुए अपने इस देश की आजादी को ध्यान में रखता है, देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखता है और ईमान के चलता है कि देश है तो सब कुछ है, देश नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र केवल अपने नेताओं की पूजा करते हैं और नेता भी उनके कैसे कैसे नेता हैं, एक दूसरे की जड़ें काटने वाले। अभी 4 दिन पहले उनके एक नेता हरियाणा में ये कह करके विदा दे गए, विदा कर गए कांग्रेस को कि इस कांग्रेस में टिकटें बांटने का भ्रष्टाचार हुआ है, 5-5 करोड़ रुपए की टिकटें बेची बिकी है। हमारे लिए बेटी बचाओ बहुत बड़ा महान एक ऐसा उद्देश्य है, उसको पूरा कर रहे हैं। और उनकी जो सोनिया माता है वो दिन रात रट लगाती है कि मुझे बेटी बचाओ से कोई लेना देना नहीं, किसी तरीके से मेरे बेटे को बचाओ। वो अपने बेटे को बचाने के लिए लग गई है। अरे वारे पप्पू, ये पप्पू लोकसभा में उजागर हो गया सारा मामला। आखिर तो इस देश को 70 साल हो गए हैं आजाद हुए, लेकिन इस देश की एकता अखंडता रक्षा के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। इसलिए नहीं है कि ऊपर मम्मी और पप्पू, पप्पू और मम्मी की राजगद्दी को बचाने के लिए नीचे के लोग लगे हुए हैं और नीचे दीपू और पप्पा इसकी सरकार बचाने के लिए ऊपर के लोग लगे रहते हैं। ये मम्मी पप्पू दीपू पप्पा ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बिल्कुल। और अगर चलेगा तो मनोहर नमोहर, मनोहर नमो ये चलेगा मित्रों।